केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ऊना के कोटला कलां में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे विराट सम्मेलन के दौरान भाग लेने के लिए आश्रम परिसर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज से आशीर्वाद लिया एवं संगत के बीच बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी किया। राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे विराट धार्मिक सम्मेलन में सहभागिता करते हुए आश्रम परिसर में कथा श्रवण को पहुंचे श्रद्धालुओं को केंद्रीय मंत्री ने संबोधित भी किया। और भगवान गोपियों के संग यथावक बोलते बच्चे को छोटे बच्चे को यथावक सब प्रतिबिंब इस भाव से करते कि मेरा ही तो प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश जीव अविनाश हम ईश्वर के ही तो अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं हम सब। भगवान राम भगवान कृष्ण उन्हीं के अंश तो हम सब हैं और अविनाशी हैं। भरत देश अर्जुन मैं जब जब बाबा बालजी के यहाँ पर आया मैं बहुत भावुक कई बार हो जाता हूँ और उसका बड़ा कारण क्या है जब इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कितने प्यार से गले लगाते हैं वो आनंद आपको कहीं और मिलता है तो अपने माँ पिता के गले लगने से ही मिलता है। मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं मैंने अपने सामने इस मंदिर का विस्तार होते भी देखा है। पैर रखने की जगह न यहाँ न बाहर मिलती है। ये इतना आप सबका प्यार और बाबा बालजी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है ये आसानी से नहीं होता। कलयुग में तो जब लोग सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की बात करते हैं हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं हिंदी के खिलाफ लगातार बोलते हैं उन लोगों की ताकत पूरी लगी हुई है सनातन धर्म को खत्म करने की लेकिन आप जैसे सनातनी के रहते कैसे कोई सनातन